माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। हैदराबाद लाइन ऑर्डर का मजाक बनाते हुए कुछ दबंगों ने एक लड़के को इस तरह पीटा के वो चलने और बोलने के काबिल नहीं है। जी हाँ, एक खौफनाक वाकया जो मंगलहाट पुलिस स्टेशन में देखने को मिला। 20 से 25 लोग मिलकर एक 19 साल लड़का जिसका नाम सैयद अंजरुद्दीन है उसको मारा, और जब उसको दिल भर के मारा और जब बोलने के काबिल नहीं रहा वो, तो वो मर गया समझकर उसको अफजलगंज के इलाके में फेंक दिया गया, जहां पर कुछ लोग उसको देखे और फौरन पुलिस को इत्तला करे। हबीबनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया, लेकिन पुलिस जो इंसिडेंट हुआ था वो मंगलहाट पुलिस स्टेशन में हुआ था, इसलिए इस केस को मंगलहाट के हवाले कर दिया। लेकिन मंगलहाट पुलिस ने भी कुछ खास नहीं करते हुए लड़के को देखकर 324/149 APC के तहत केस बुक किया और 25 लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा, लेकिन कोर्ट ने इस सेक्शन में कुछ खास दम नहीं होते हुए उनको रिहा कर दिया और सेम दिन बेल मिल गई। लड़के के वालिद नईमुद्दीन का इल्जाम है कि पुलिस कुछ मुकामी लीडर के दबाव में आकर 307 बुक नहीं करी, और बच्चे की हालत इतनी नाजुक है कि वो बोल नहीं सकता न चल सकता है। हथियारों के साथ उसको मारने के बावजूद पुलिस का इस तरह का रवैया परेशान करने वाला है। एक तरफ सिटी पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बार बार आवाम से अपील करते हैं कि पुलिस का सपोर्ट करो, पुलिस के फ्रेंड रहो, लेकिन इस तरह के दमोगों ने जो हरकत की है तो आम आदमी कहां से पुलिस का दोस्त बनता है। पुलिस को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वरना अगर पुलिस का ऐसे ही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं कि खुलेआम कत्ल होंगे और दबंगी ज्यादा होगी। क्राइम टुडे न्यूज हमेशा सच बोलना और बताने की कोशिश करता है, और हम भी अपील करते हैं उस महकमे और डिपार्टमेंट से कि वो ऐसे दबंगों के ऊपर नजर रखे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, न ही कि किसी के दबाव में आकर कार्रवाई करे। शहबाज बाबा के साथ क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। सैयद नईम, कौन है आपके? ये मेरे साहिबजादे। क्या नाम है इनका? सैयद अंजरुद्दीन जी। क्या हुआ उनके साथ? सर ये बच्चा जो है वहाँ पे हबीबनगर नाले में हमारे मकान पे था जी। शाम में 7 बजे पड़ोस का एक लड़का, श्रीकांत नाम है उसका जी, 32 ईयर्स है उसकी जी, वो आके हमारे भतीजे को बोला देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो बच्ची को जो है चॉकलेट या आइसक्रीम दिया जी, ये अच्छी चीज़ नहीं है बोले। तो हमारा भतीजा बोल दिया ठीक है, उनके डैडी को मैं बुलाता हूँ, उनके डैडी आउट ऑफ स्टेशन है, बुला के बात कर दी, कोई बात नहीं है, बस्ती का मसला अगर कोई ऐसी बात है तो करेंगे, ठीक है बोल के चले गया। और करीब 10:30 बजे बच्चे को ला के जो है अभी नाले पर पटक दिया जी। तो जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि रोड से जाने वाले बच्चा जो बोलने की बात करा एक बस्ती के बच्चे को कि भाई मेरे को मार के डाल दिए, तो मेरे को कॉल आया, मैं ऑन दी वे था, मेरे को कॉल आया चाचा बच्चे को जो है बहुत मारे, मार के ला के डाल दिए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो आगे हालत देखे तो हमारी हालत पूरी जो है पूरा घर हमारा जब कोहराम हो गया था पूरा, फिर देखे हम, हमारा भतीजा बोला कि 7 बजे श्रीकांत आया था, श्रीकांत के घर पे हम लोग गए जाके आवाज़ दिए, आवाज़ देखे रात में करीब 12:30 बजे थे, आवाज़ देने का नहीं निकला तो बस्ती के पूरे लोग जमा हो गए, बच्चे की हालत देखे बस्ती के लोग बोले नहीं ऐसी हरकत कैसा करता, बोलिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे, मैं सबको रुका दिया, हम कानून से काम लेंगे, हम वो गलती करा हम गलती नहीं करेंगे। उसके बाद जो है पुलिस की गाड़ी को बुलाया, बुला के जब पुलिस की गाड़ी आने के बाद वो नीचे उतरा, नीचे उतर के जब पुलिस की गाड़ी में उसको बिठाए, बिठाने के बाद हबीबनगर PS को लेके चले, PS के ले जाने के बाद ड्यूटी पे तो SI साहब CA साहब तो नहीं थे, ड्यूटी पे तो आपके क्या नाम बोलते हैं जमेदार साहब थे, बादशाह जमेदार साहब थे, IS साहब और एक ऑफिसर साहब थे, बैठ के सब देखे हमारे साथ अच्छा कॉपरेट करे बादशाह साहब, और वेंकट साहब भी एक बहुत अच्छा काम हमारे साथ जो है कॉपरेट करे, बोले बच्चे के साथ ऐसी हरकत नहीं करना थे, मासूम बच्चे के जो 17 साल के बच्चे को इस तरीके से मारते, पहले श्रीकांत को ले लिए, श्रीकांत के बाद सुबह होने के बाद जो है ये बच्चे को स्पॉट पे लेके चले गए, नहीं सॉरी सीधा आपके उस्मानियों को लेके गए,
उस्मानिया से बताया कि लेके आने के बाद बच्चे को जो है कहाँ पे मारे, किस जगह मारे, बच्चा सारे स्पॉट एक इशारे से बताते गया। उसके बाद वो लोग बोले कि भाई ये हमारे पीएस का काम नहीं है, ये मंगलहाट के पीएस का काम है। फिर मंगलहाट के पीएस भी एक केस दे दिए उसको, तो मंगलहाट के पीएस ने सुबह में क्या करें श्री काम को लेके कौन कौन है इसमें क्या क्या है, उसमें जो है असल जो सुनील है वो है धोबी का लड़का है असल, वो ज़्यादा मारा मेरे बच्चे को, उसको आज से का अरेस्ट नहीं हुआ साहब ने बख़ैर पूरे, और तीन लोग अरेस्ट होने वाले हैं जो ज़्यादा बच्चे को मारे। क्या केस डाले हैं लोग के पास पुलिस? पुलिस जो है 325 और देखते बोलो तो केस जो है 324 लगाए और 144 लगाए, 149 लगाए, लेकिन मैं इससे मुतमिन नहीं था क्योंकि मेरी लाइफ में यह पहली मर्तबा है कि हम आज तक जो है ना पीएस को देखे ना कोई चीज़ को देखे, सिर्फ मेरा बच्चा यही बोल रहा था कि मुझे बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे। तो सुबह में जो है तकरीबन उस एरिया के बीजेपी के लीडर, हिंदू परिषद के लीडर्स ये पूरे आके जो है सीआई साहब को बोल रहे थे कि सेक्शन कम लगाओ, सेक्शन कम लगाओ, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नहीं तो ये बच्चे को जो है दूसरा हम दावा डालेंगे बच्ची की तरफ से, बच्चे की लाइफ खराब कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लो बल्कि मेरे को बोले साहब। मैं बोला तुम जो करते कर लो, मेरे बच्चे की जो है जान मारने को देंगे, अगर मेरा बच्चा गलती करा वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन तुम लोग क्यों जो है कॉम्प्रोमाइज करो बोले। लेकिन सीए साहब क्या बोले, ठीक है तुमको कॉम्प्रोमाइज करना है पहले तुम लोगों को अदालत को भेजूँगा, उसके बाद अदालत फैसला करती, तुम्हारी मर्जी, तुम फैसला करना है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्या है। फिर उसके बाद सर मैं दूसरे दिन जो है मैं हमारे एक वकील साहब के पास गया, जाके उनको सुनाया साहब ऐसी ऐसी चीज़ है ऐसा मेरे को धमकियाँ आ रहे हैं कि अगर तू केस वापस नहीं ले लेगा तो तेरे को जो है ये केस में अटका देंगे, वो केस के अटका देंगे, तेरे बच्चे की लाइफ ख़राब कर देंगे, ऐसा मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं। तो वकील साहब बोले इतना बड़ा वाकया हो गया, बच्चे को जो है मार मार के जो है इतना मारे उसके बाद ये केस कैसा, यानी ये सेक्शन कैसा लगाते, ये दफ़ा कैसा लगाते हैं। मैं बोला साहब मेरे को तो नहीं मालूम, आज तक हम कोई केस देखे नहीं कुछ नहीं, यार 45 ईयर्स उस कॉलोनी में रहते, हमारे रिकॉर्ड देखिए कि हमारी पूरी फैमिली कैसी है, हमारी 35 मकाना थे सब, 35 मकाना था हमारे उस जगह पे है, लेकिन हम कोई गलत हरकत नहीं कर रहे, हम सिर्फ कानून से मदद लेना चाहते थे, सिर्फ कानून से मदद कर रहे। और अपने के पीएस साहब जो है हमको फोना करते जा रहे हैं कि कैसा है बच्चे की तबीयत कैसी है, बच्चे की तबीयत कैसी है, आपसे बात करना है, आपसे बात करना है, ऑपरेशन कर रहे हैं आप जी, ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ आपको ऑपरेशन सीए साहब, सीए साहब भी बहुत ये कर रहे हैं, और अब पी नरसिंह पी श्रीनाथ साहब मंगलहाट सीए, और अंसारी साहब है सीए एसआई, उन्हें भी जो अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, मगर एक सेक्शन कम लगा है साहब, दफ़ा जो लगा है वो कम लगा, लेकिन कॉपरेट बहुत करे साहब, मैं कॉपरेट में कमी, और श्रीनिवास साहब सब जो है हमारे को सिर्फ बातों से कॉपरेट करें, लेकिन सेक्शन जो लगाने का था 307 वो सेक्शन ले लगाया साहब। मैं आके हमारे एक बस्ती में भी बताया कि भाई ये सेक्शन लगा, ये सेक्शन कैसा लगाते हैं, और सेम डे मुलजिम कैसा छूटता, इतना हादसा होने का कि पूरी बस्ती परेशान थी, पूरी बस्ती परेशान थी। मैं बोला अभी मेरे को नहीं मालूम, आज तक हम तो कानून देखे नहीं, ये लड़े नहीं देखे, झगड़े नहीं देखे, अगर मालूम होता तो मैं जब भी जो है सीए साहब को बोलता था सब ये दफ़ा कैसा लगा रहे, और उस वक्त साहब वहाँ पे बीजेपी के और हिंदू परिषद के लीडर बैठे हुए थे तो ये सेक्शन लगाया सर। उसके बाद मैं घर आ गया, और शाम में जो है सब मुलजिम जो है घरों को वापस आ गए सर, सुबह पकड़े गए और शाम में देखते बेल ले लेके आ गए, बस्ती में सब बोल रहे हैं ऐसा कैसा छूट गए लोग, ऐसा कैसा छूट गए, मेरे को तो नहीं मालूम अदालत क्या करेगी, क्या सेक्शन लगाया है। उसके बाद लोग सबको बस्ती में, आज पाँचवा दिन है बच्चा दवाखाने पड़ा हुआ है, आज पाँचवा दिन है सर बच्चा जो है दवाखाने पड़ा हुआ है, और हमारे पैसे इतने खर्च हो रहे हैं और पूरी बॉडी के टेस्टा हो गया, सबसे बड़ा खर्चा सर हमारी इस दाड़ों का खर्चा है, डॉक्टर लोग बोले कम से कम इसका 1.5 लाख का खर्चा है, इसका 1.5 लाख जब आप इंतजाम करिए फिर उसके बाद हम इलाज करेंगे, क्योंकि बच्चे को जो पंचिंग जो मारे पंचिंग तो बच्चा मुंह नहीं खोल सका ना, तो लेडी डॉक्टर आए डेंटिस्ट हाथ डाल के देखे बोले पूरा डैमेज हो गया, बेकार हो गया है, इसके लिए आप जो करना है करिए, उसका हम इलाज हम करेंगे। हमारे साथ साथ बहुत बड़ी राइंसाफी हुई,
और हमारा बच्चा बहुत घायल हो गया। हमको बड़े ऑफिसरों से मैं एक विनती कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए साहब, और मुझे उम्मीद है कि हमारे तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसरों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरा हक जो है हक मिलेंगे, बराबर दिलाएंगे, और मुझे उम्मीद भी है साहब। की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेख।